ਸਿਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ चलो 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 ना गोलू चलो 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 बैठो चलो भाई बलकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद क्या यार बाइट करके अमन पे उधर थले जाना फिर थले जा माड़ा माड़ा तुर गया अजय भाजी तुम तुरे आओ माड़े माड़े जीरा में पहुंचने निघा स्वागत करता हाँ और उन्होंने नाल होर भी समुची कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पंडाल में पहुंच गई है। उन्हों तो पहला सरदार गुरदीप सिंह ढिलों हरजिंदर सिंह छाबड़ा जिला प्रधान कांग्रेस कमेटी वो भी पहुंचे ने सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਾਬੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਆਏ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਗੋਮਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਗੱਲੂ ਜਾਰੂ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਧੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ,
मार्केट कमेटियां म्यूनसिपल कमेटियां के प्रधान साहबान अज बड़ी खुशी की गल है कि सरदार अमरिंदर सिंह राजा बनेंगे जी पंजाब प्रधान बनने तो बाद पहली बार साडे हलका फिरोजपुर के हलका जिले के इस स्थान के उत्ते तुहाडे सन्मुख पहुंची है। मैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी वालों हलका जीरा वालों तुहाडे वालों जिया इन्हां दे दीआं कराइयां तो स्वागत करना। साथियों लीडरशिप बैठी है, समा बहुत घट है क्योंकि आप 12 बजे का टाइम सोचते थे कि राजा साहब पहुंचेंगे पर लेट हो गए। मैं ज्यादा समा नहीं लेना, सिर्फ 2-3 मिनट लेने हैं क्योंकि अज तो करीब 2-3 महीने पहला आप जिस सोच के नाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई सी ये मेरे 50 साल के सियासी जीवन का यह तजर्बा है कि कोई यहोजी सरकार मेरे समय के 50 साल के पिछले कोई भी यहोजी सरकार नहीं आई जिसे तो 2-3 महीने तो लोगों का मन जरा भर जाए या लोग ये सोचने लग पे कि असी गलती की है। ये जिंदगी की पहली एक मिसाल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद अज लोग सोचते हैं पछतावा करते हैं कि असं एक फैसला ले बैठे। साथियों मैं इलेक्शन के भी गल करते झाड़ू की जी मियाद है वह 2-3 महीने तो ज्यादा नहीं होती। साड़िया बीबिया भैन जो तो समान लिखा घर का रोज वरतों का तो उदो कोई होर चीज लिखाओ ना लिखाओ लेकिन झाड़ू हर बारी ऑर्डर देती है। तो कई बार पूछ लेंगे बजुर्ग कि बेटा जो पिछले महीने लिया जो कहते बापू वो तो टुट गया भज गया खिलर गया खत्म हो गया। तो अब तुहाडे सामने मिसाल है अज इन्होंने एक मंत्री करप्शन के केस के इन्होंने ला दिता है बाकी भी हौली हौली मैंने लगता झड़ जाएंगे। सो साथियों जड़िया आसा के नाल ये सरकार बनी सी ये सरकार कोई आम आदमी पार्टी ने लोगों ने वोटा नहीं पाइया ये लोगों ने साडा विरोध किया बदलाव भी गल लोगों ने सोची थी शायद कि जेडे साडे ये वादे है ये आम आदमी पूर्ति करूगी पर अच हर एक गल तो भज रहे हैं। अब जिस तरह हमने गल कर रहे हैं आप अज दृष्टि कराने वास्ते गए तो किसान भीर उन्होंने कहते जी बिजली के बिल का नो ड्यू सर्टिफिकेट लियाओ, म्यूनसिपल कमेटी का नो ड्यू सर्टिफिकेट लियाओ, पंचायत का नो ड्यू सर्टिफिकेट लियाओ कि तुम दसो पहला कि आदमी है जिसे बिजली के बिल क्लीयर है। सो ये चीज़ा आने वाले समय के मैं समझना 6 महीने के लोगों का मन जरा है इन्हें इन्ना दुखी हो जाएगा कि लोग आखिर कि वापस जाओ जाने नहीं होने क्योंकि 5 साल है पर इन्हों का पता भी नहीं अगे जो 18-19 दिते से 9 रह गए हो सकता हौली हौली 13 लग जाए क्योंकि कौर विजय प्रताप का भी उदर बयान पढ़िया कि तुम सरकार किस तरह लगती से अभी किया की है। मैं लगता 5-6 महीने बाद इन्हों खोरा लगना शुरू हो जूगा पर मैं बेनती करना है कि आप जिन्हें भी कांग्रेसी बैठे हैं एक मुठ हो के जो इन्होंने वादे किए थे उन्होंने वास्ते इन्हों मजबूर करिए कि वह वादे पूरे कर लोगों के चाहे वह साड़िया बीबिया भैन महिलावान का 1,000 रुपये महीने की गल करिए चाहे बिजली की गल करिए चाहे किसानों की आत्महत्या की गल करिए चाहे आप नशे की गल करिए अपने इलाके के नहीं पूरे पंजाब के मेरा ख्याल कोई दिन नहीं जो साडा नौजवान एक बच्चा नशे की भेट नहीं चढ़ता। कि वह केजरीवाल है जिहड़ा कहिंदे सरकार आ लैण दिओ 24 घंटे में नशा खत्म कर दूंगा। अज रिकार्ड टुट गई है गलिया महल्या के अज नशा देख रहा सिरिया कोई किसी ने पूछने वाला नहीं नित कतलो गारत हो रही है नित किसान मर रहा है। ये सारी चीज़ों का जवाब आप कहने से खिलाफ के लेना है। मैं ज़्यादा समा ना लेता होया तो यही बेनती करना है कि जब कितने भी कांग्रेस पार्टी का बुलावा आता है तगड़े हो गए अपने मुद्दे इन्हों का सामना करिए क्योंकि आपको पता है ये लड़ाई लोगों से जाके लड़ नहीं सकते इन्होंने वोटा नहीं मंगिया लोगों ने वोटा पाई हैं इस करके तगड़े होइए। मैं फिर गहराइयों तो साढ़े नौजवान नेता सरदार अमरिंदर सिंह राजा बनेंग जी दोनों के नाल वाली पूरी टीम जनों साहब और होर जिन्हें साहबान है वो जिया कहना थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतह। ये सन श्री विजय कांता जी जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बारे
और झाड़ू की मनियाद बारे थानू दसिया। हम मैं बेनती करा मेरे छोटे भीर दरिंदर सिंह घबाया सबका एमएलए फादर का वो संगत के रूबरू हो और अपने विचार पेश कर सरदार दरिंदर सिंह घबाया साढ़े बहुत ही सत्कारयोग नवे बने पीपीसीसी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बैंक जी नाल आए कुशलदीप सिंह ढिल्लों जी दर्शन सिंह बराड़ जी और मेरे बड़े बेटे जी गुरप्रीत सिंह जीरा जी और समुची कांग्रेसी लीडरशिप साढ़े विजय कालजा जी कोई बोल के गए और सामने बैठे जुझारू वर्कर पंच सरपंच सब तो पहला फतेह प्रदान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो आपां नूं पता है कि अजे थोड़े दिन ही होए सिर्फ दो महीने लंघे है और लोगों ने बड़े चावान के नाल मैं समझा कि वोटा पाईया सी एक बदलाव लिया सी और दो महीनों के बीच ही कोई लोग मैं समझा कि अज गाला कढ रहे और जो झूठ मार के और लोगों नूं गलत भाषणबाजी करके उन्होंने गुलगुला के जिहड़ियां वोटा लईआं आम आदमी पार्टी ने तुसीं वेख्या कि एक भी मैं समझा कि उन्होंने जो काम सही नहीं किया और करप्शन इन्नी क बढ़ गई है थाणिया तहसीलों जिते मर्जी चले जाओ पैसे तो बिना कोई काम नहीं होंगे और अज उन्होंने आपका एक मंत्री जोड़ा वो कटता कि 1% जी करप्शन करता से अभी कट दिया। सो मैं समझा कि सच है जेने आम आदमी पार्टी ने झूठ मार के सरकार बनाई थी और सारे जोड़े लोग किसान जोड़े है तुम वेखो खुदकुशियां कर रहे दिन पर दिन जी तुम ये वादा किया कि जो साकार आई एक भी जोड़ा किसान खुदकुशी नहीं करेगा और मैं समझा कि सरकार बनने तो बाद ही किन्ने किसान जोड़े खुदकुशियां कर गए। सो पंजाब का अच्छ बड़ा माड़ा हाल है ये तुम थोड़े दिन ही वेखो थोड़े दिनों के जोड़ा है झाड़ू जोड़ा पीले पीले हो जाए बस आप जोड़े कट्ठे रहिए और तगड़े होइए जो अपनी सरकार ने मैं समझा जो डिवेलपमेंट जो काम अपनी सरकार के पिछे होए कल जीरे हल्के के नहीं पूरे पंजाब के लिए पेल कदे नहीं होए ये आप ही थोड़े दिन बाद ही जोड़े लोगों ये अपने किए काम याद आने फिर तुम वेखो कांग्रेस दोबारा फिर जी तकड़ी होगी। सो आप कट्ठे रहिए थोड़े को लीडर ही जीरा साहब बड़े तगड़े लीडर ने और आप तगड़े हो के जरा कांग्रेस पार्टी में होर तगड़ा करिए मैं तो माफ़ी मंगी थी पर जीरा साहब के लिए जिन्हें तेन इतने बुलाया कि तेरे इतने रिश्तेदारियाँ है सारा तो मैं थोड़ा सारे का दिल दिया गहराइया तो धन्यवाद करता कि तुम कीमती समा कट के अज आप सुनना राजा वड़िंग जी को है यदा जीरा साहब ने मैं कहता कि तुम मिलाओ तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह। ये सन सरदार मनिंदर सिंह घबाया जी जिन्हों ने चंद लफ्जों साढ़े बहुत ही सत्कार जो मेरे वड़े वीर सरदार अमरिंदर सिंह राजा बैंक साहब प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मेरे वड़े भरा बहुत ही सत्कार जो सरदार कुशलदीप सिंह ढिल्लों साहब जो कि वाइस प्रेजिडेंट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और इंचार्ज ने साढ़े फिरोजपुर जिले के और उन्होंने नाल साढ़े बहुत ही सत्कार जो मेरे बापू जी सरदार दर्शन सिंह बराड़ साहब मेरा बोल के क्या उन्हें जी छोटा भी दरिंदर सिंह घबाया जी मेरा भरा कट्ठे असी यूथ कांग्रेस के बीच काम किया खुशबाज सिंह टिकाणा साहब और साढ़े इतो जिले के प्रधान सरदार रविंदर सावला जी मेरे ताया जी विजय कालरा जी और साढ़े जिले के वाइस प्रधान हाडा साहब और जिन्हें अब तुम सारे पंच सरपंच जीरे के सारे ही वर्कर साहबान पहुंचे हो आओ सब तो पहला प्यार भरी फतेह बुला वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जी का स्वाद नहीं आया स्वाद नहीं आया आप हरे हैं मरे नहीं बोले
सब तो पहला मैं अपने वड्डे भी क्योंकि अब जिस स्टेज पर बोल रहा तो मैं कहना अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बदौलत बोल रहा क्योंकि जदों तो असी कट्ठे चले तो उदों तो हमेशा वड्डे भरा ने मेरे ते आशीर्वाद वाला हाथ रखिया और जब टिकट मिली तो अज मैं दसदा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ऑल इंडिया के प्रधान होंगे सीनियर यूथ कांग्रेस के सरदार इंद्रजीत सिंह जीरा साहब ने भी टिकट अपलाई की बापू जी ने और मैं भी की तो मैनू राजा जी कह लगे मैनू मेरे इलेक्शन आपा लड़ना है मैं क्या पहले बापू जी जीरा साहब इलेक्शन लड़ने मैं नहीं लड़ना यह मैनू कहते गल है कि बापू के बराबर बड़े जने टिकटा मंगन आए पर अच अपने को ताकत आ मैं ऑल इंडिया का प्रधान हाँ मैं तेरी टिकट लेके आ सका पर मैं लिख के दे दिता मैं क्या इलेक्शन जीरा साहब लड़ के मैं नहीं लड़ना पर जीरा साहब भी क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले दिन ही खाड़ खाता उन्हें क्या अंदर जी जीरा इलेक्शन नहीं लड़ेगा और जीरा साहब का नाम पा के नहीं भेजा मैं अब भी वो याद आ रात के 2 बजे सी मेरा वड्डा भी मैनू नाल लैके गया और राहुल गांधी जी नूं जाके इतो गल कही कहिंदे जे पंजाब चो कोई यूथ वाला इलेक्शन दे सकता तो कबीर सिंह जीरा दे सकता और वो टिकट इन्हां ने दवाई ते तुसीं इन्हां ने बना दित्ती पर राजा जी 40 दिन तां बड़े औखे होंगे जब इलाके वाले ने हरा के भेजा इन्हां दा कोई कसूर नहीं कसूर उन्हां दा सी जिहड़े कहिंदे सी बदलाव वेखणा ते लोक साहब सही कहा जिहड़े कहिंदे सी बदलाव वेखणा पर बदलाव अज जदों मैनूं मिलदे आ ना बाजारां दे विच हुण जदों मैं जाना पहला हफ्ता ऐ लगदा सीगा पीड़ियां पग्गां ने जिवें सरों दे खेत फिरदे हुंदे आ दुकानां तो पग्गां नहीं सी मिलदियां भाई बब्बू पग्गां कहते सी पीला रंग मत गया दफ्तर दे विच जे कोई जांदा सी पीला परना पीली पग अज ना पीली पग दिंदी है ना पीला परना दिंदा क्योंकि अज जदों घरां दे विच बिजली वाले छापे मारदे आ ਇਹ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੀਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੇ ਜਾਓ ਮਾਤਮ ਸਾਇਆ ਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖੁ
सत्कारयोग दर्शन बराड़ जी, कालरा साहब, खुशबाज जुटाणा जी, नवदीप सिंह बब्बू बराड़ जी, सामने विराजमान सत्कारयोग मेरे बुजुर्गो, नौजवान भरावो, सरपंच, पंच, ब्लाक समिति, जिला परिषद के मैंबर साहबान, एम सी साहबान, कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान, यूथ कांग्रेस के वर्कर साहबान, सारिया ही सत्कारयोग शख्सियतों फतेह अर्ज करता, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान साहब ने जरूरी गल करनी सी, वो भी आ गए है। मेरी पहला एक बेनती है कि जीरा साहब अज काफी दिन बाद बोलने लगते हो, ये सियासी बंदे का जरा कला इतिहास होंगे, क्योंकि सियाने कहते हैं जो इतिहास को वरतो ना तो कई बार मिसमैच कर देता। इस करके भाई हम ज्यादा गेड़ा रखा कर, होर नहीं तो हम जो पता लगे किसी ने खड़का तो उठे जाके दो मिनट बोलना लगता ता गलत चलता रहे। सो मैं तुम्हें बधाई देना चाहना जीरे वाले अलग बात आई मैं दिता मैंने बड़े साहब कहते कि जेड़ी स्पीच तू कल दिती उसने फरीदकोट वही कुलबीर जीरा नहीं जाता। मैं क्या जो बंदा हार गया हो फिर अपनी गलत नाल गल नहीं कहना। मैं क्या भाई हम साढ़े तक वो यही गल निकल दिया। सो इस करके बड़े साहब गल है कि कमां वाली कसरता नहीं कोई छड़ी, ना जीरे हल्के च रही होगी, क्योंकि साडा कुछ एमएलए का आपस में कंपटीशन हुंदा सी कि कहड़ा अपने हल्के में वध काम करता है, कहड़ा वध सरकार तो अपने हल्के वास्ते फट लेके जाता है, कहड़ा वध डिवेलपमेंट कराता अपने हल्के की। पर ऐसी ना तो भाई किसी ने डिवेलपमेंट देखी, ना किसी ने काम देखे, ना किसी ने पुराने कामों की झेप रखी। ऐसी तक नवा ही घोड़ा फिर गया। सर मैं बात बात कहेगी कि जो केजरीवाल नहीं जाता शायद भाई पहले महीने सब कुछ कर दूंगा। मेरे ख्याल कोई बीती नहीं रहेगी ठगिया, इन्होंने लोगों का
ਪਵਿੱਤਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਦੀ ਆਪਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਕਦੀ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਹੁਣ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਪਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਬਣਾ ਤੇ 92 ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕੁੱਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਵਾਡ ਲਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਕਵਾਡ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
बेनती है समझिए समझिए प्रचार सभा में प्रचार करिए इन्होंने बंदे कहिए क्या भाई असि इन्होंने गलों का कुछ नहीं लेना तुम जो लोगों वादे किए पूरे करो तुम जिन्हों को वोटा लिया उन्होंने कम करो इस करके सुचेत नहीं है मैं बड़ा लंबा तो चाहता हाँ जो प्रधान साहब ने तोड़े नाल विचार साझे करने है मैं जीरा साहब को बधाई दिना तो खास करके तुहानू सारे बधाई दिना कि तुसी बहुत उत्साह नाल बड़े सत्कार नाल इत्थे पहुंचे हो कांग्रेस पार्टी की गल सुनन वास्ते प्रधान साहब की गल सुनन वास्ते तुहाडा सारे का मैं तहे दिल तों धन्नवाद करदा इन्ना कहना माफी मांगना बहुत बहुत धन्यवाद वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह ये सन सरदार कुशलदीप सिंह ढिल्लों वाइस प्रेजिडेंट कांग्रेस कमेटी जीरा पंजाब जिन्होंने बड़े विस्तारपूर्वक वेरवे बारे आम आदमी पार्टी के भी कुछ हचाना चल के सरकार बनी और अगला जो टाइम है कि सरकार ने कहड़िया कुछ ज्यादा चल के चलाना है उन्होंने बड़े साहित विस्तारपूर्वक वेरवे सहित थोड़े नाल अपने विचार पेश किए हूँ मैं बेनती करा नौजवान दिलों की धड़कन बजुर्गों का प्यार सत्कार सरदार अमरिंदर सिंह राजा अमरिंदर प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो अपने तुहाडे नाल विचार सांझे करन राजा अमरिंदर जी बहुत ही सत्कारयोग हलका जीरा दे कांग्रेस को प्यार करने वाले मेरे बुजुर्गों नौजवान वीरों सरपंच साहबान ब्लॉक समिति मेंबर साहबान मैंबर पंचायत साहबान जिला परिषद मैंबर साहबान एम सी साहबान प्रधान साहबान चेयरमैन साहबान अपे मंच के विराजमान कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त मीत प्रधान और जिला फिरोजपुर के इंचार्ज कुशलदीप सिंह जी ढिल्लोंसा ने बहुत ही सत्कारयोग मेरा छोटा भरा इस इलाके की अगवाई कर रहा है थोड़े बिना भी राज करना है थोड़े नाल दिन रात खड़ा रहता है सबका एमएलए गुरमीत सिंह जी ढिल्लोंसा है बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू जिन्हों असी छोटे होंगे कारगुजारियां देखा करते सबका विधायक सरदार दर्शन सिंह जी बराड़ साहेब बहुत ही सत्कारयोग सबका विधायक छोटा भरा दविंदर सिंह जी घुमाया साहेब बहुत ही सत्कारयोग साडे जिले के डीसीसी के प्रधान छाबड़ा साहेब बहुत ही सत्कारयोग साडे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे साडे चिंताना साहेब बहुत ही सत्कारयोग साडे वर्किंग प्रधान डीसीसी हांडा साहेब बहुत ही सत्कारयोग इस इलाके के
कांग्रेस पार्टी के लीडर विजय कालरा साहेब बहुत ही सरकारी मेरा भरा सरदार अवतार सिंह जी बराड़ साहब के सपुत्र बब्बू बराड़ साहेब सारे ही दर्जा बदर्जा कांग्रेस पार्टी के आगू साहबान मैं सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸੇ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ कि हजे केवल दो महीने का समा हो सरकार गई और उनकी सरकार ने हजे पांच बरे यानी कि चार बरे ते दस महीने बाकी है इसके बावजूद भी तुसी लोग साडे नाल अज भी चट्टानवां कीड़ा परिवार नाल खड़े हो मैं थोड़ा शुक्र गुजार करता परमात्मा थोड़ी चढ़ती कला मैं लगता कि यह जरा प्रताप है स्वर्गवासी साढ़े बुजुर्ग जिन्हों मैं अपने बाप समान समझना सरदार इंद्रजीत सिंह जीरा जी का बहुत वाला प्रताप है तुम उन्होंने साथी इतने बैठे हो अब मैं थोड़े ना ही इस बड़े समागम आपके बुजुर्गों भी शरदा के फुल भेंट करता है और आस करता है मेरे छोटे वीर को कि उस सरदार इंद्रजीत सिंह जीरा साहब की विरासत को उन्होंने भाईचारे को उन्होंने लोगों का प्रेम को उन्होंने लोगों का रिश्ते उस तरह ही बरकरार रखे जिस तरह सरदार इंद्रजीत सिंह जीरा ने तुहाडे नाल आपका रिश्ता बना के रखा हो सकता मेरे छोटे वीर को मैं गल भी भरी पंचायत मन लेनी चाहिए हो सकता सदा सरकार ने जो कि छोटी उम्र है इंसान गलतियां का पुतला है कोई गलती हुई होवे जीरा हौली हौली सानू इलम होया होवे जां हौली हौली सानू एहसास होया हो जाएगा उहदी माफी भी छोटा भी तुहाडे कोले आके मंग लेगा लेकिन मैं कुलबीर नूं नेड़े जानदा हां कुलबीर दे नाल कई जिंदगी दे साल बिताए है एक गल जरूर है इस नौजवान मेरे भरा तुहाडे प्रति वफादारी तुहाडे प्रति ईमानदारी तुहाडे नाल खड़ना जीरे हरा दे जीरे दे लोगों के वास्ते कई जानी मैं हफ्ता कह दिता सा मैं कह यार हुण तां भोग छड्डे कहदा नहीं भाई यह हार भी मेरा मुकद्दर हार गया मेरा मुकद्दर आ गया हो सकता मेरे को कोई जाने अजाने गलतियां हो गई हो लेकिन जीरे आने जो भी कुलबीर चीख मारता है जीरे आने से पीड़ होती है रात को अद्धी रात होती मेरे आसे खड़े होते हैं मैं इन्होंने नुकसान नहीं सकता मैं इन्होंने कदे धोखा नहीं दे सकता मैं कदे कह दिना यार हम हने हने का हारे तू फिर भोगा दे चल गए मेरे मन के थोड़े प्रति भावना है थोड़े प्रति प्यार है चलो जरा कुशलदीप ढिलों है एदा पुराना महाराजी बंदा है तजुर्बेकार कल इन्हें आपके भाषण से कहा कि इन्हों की कोई गलती नहीं इन्हों को भी नहीं पता लग्या तो सानू भी पता नहीं लग्या अब कुलबीर ने भी कहा कि इन्हों का कोई कसूर नहीं है ये थोड़े को डरते ही है डरते ही डरते और कसूर मेरे मांगे का है इन्हों पता सी
ਦੇਵੀ ਰਾਜਨ ਕਿਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਗਰ ਨਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬੇਸ਼ਕ ਜੀਰੇ ਚ ਬਲਬੀਰ ਜੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਲਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਉਹ ਜੈਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੁਪਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹਰਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖਿਆਲਿਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਨਾ ਪਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਾਓ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੱਬਲ ਭੁੱਸਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
अब लोगों ने एहसास करा दिता कि कोई व्यक्ति विशेष वड्डा नहीं है, वड्डा वो है जिहड़ा लोगों का रिश्ता बना के रखता है, प्यार बना के रखता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों की गल सुनता है, वो व्यक्ति वड्डा है। ना कि तक का वड्डा हो गए, ये जिहड़े लोगों को पिछा है कि मैं पांच बार का MLA है, मैं दो बार का मंत्री है। इतने मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अगे भी रहे, फिर तुम जे बागी मुनी हो, जे लोगों च विचरोगे तब वे रहोगे, जे लोगों च ना विचरोगे तब कोई व्यक्ति वड्डा नहीं है। और मैनू कोई गम नहीं है इस गल का, और मैनू इस गल की कोई घबराहट नहीं है, मैनू इस गल की कोई चिंता नहीं है कि फलाना बंदा कांग्रेस पार्टी छड़ के जा सकता है। हाँ, मैं हर व्यक्ति को मनावांगा, मैं हर व्यक्ति के कोल जावांगा, मैं मेरे जुटे बनाने वाले भरा को भी जावांगा कि मैं करने भी कोई गलती होगी तो माफ कर दे। लेकिन कोई पार्टी छड़ना चाहता है तो वे बच्चे नहीं होंगे कि मैं बहुत वड्डा व्यक्ति हाँ, ये भी कट लेना चाहिए। क्योंकि अगर वे जान गए, अगर कोई ऐसा अज हबोर की गल सुन लो, अगर हबोर तो सुनील कुमार जाखड़ जाएगा तो फिर ही किसी आम बंदे का मौका मिलेगा जिन्हों कांग्रेस पार्टी टिक दे के उन्होंने मुकाबले खड़ा कर सकती है। नहीं तो जाखड़ परिवार तो बिना हबोर कांग्रेस पार्टी ने कदे सोचा नहीं। यही कांग्रेस पार्टी की कमजोरी नहीं है कि असी एक व्यक्ति विशेष को ताकत दें, दूजी जनता को खूंजे ला दें। क्यों? जरा होर क्यावल व्यक्ति है उस इलाके शिंगारना चाहिए, उन्हें ताकत देनी चाहिए है, ता जो यहोजे मौकों से जो वे तनात लोग आते हैं अपने कहने वाले छड़ के जान, फिर उन्होंने तैयार कर दिया जाए। लो मेरी गल याद रखियो, लोग यहोजा भालते रहेंगे, मौका चुनाव आएगा, हबोर चुनाव होएगा, और जो हबोर चुनाव होएगा एक आम दरमियाना बंदा जिहड़ा मेहनत करे कांग्रेस पार्टी उन्हें चार वरे पहला भाल के रखे कि इस बंदे नूं लड़ाउणा है, ते बंदे च जान होनी चाहिए, बंदे च जज्बा होना चाहिए, बंदा हौसले वाला ते ईमानदार होवे, जाखड़ परिवार नूं चुनाव हरा सकता है। जे चौधरी सुनील कुमार जाखड़ एक आम साधारण व्यक्ति पिछली वाली जो 80 सीटा कांग्रेस पार्टी जित के गई, उन्हें हराने का काम किया है, जिन्हों चार साल पहला मेहनत करते लावांगे वो जाखड़ परिवार को उत्थे हरा सकता है। लेकिन शर्त यह है, शर्त यह है कि कांग्रेस पार्टी किस व्यक्ति चुनती है। अगर कांग्रेस पार्टी चोर को चुनेगी, अगर कांग्रेस पार्टी डाकू को चुनेगी, अगर जिरा कोई ईमान ना होया उन्हू चुनेगी तो लोग वोट नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी एक चंगा ईमानदार छवि वाला जरा जाखड़ परिवार तो चंकी छवि रखता हो, जरूरी नहीं कि उन्हें कोई पैसे हो, जरूरी नहीं चंकी छवि वाला व्यक्ति रखेगी तो लोग चुकाने का काम करेंगे। ये सबूत दिता सानू समझ की लड़ है, जनरेशन क्या है, नवी तब्दीली है, और नवी तब्दीली से नवी तबीयत के लोगों ने दसता है कि असी बदलाव चाहे। लोग बदलाव केजरीवाल के रूप च नहीं चाहते सन, कोई मंगे का व्यक्ति थोड़े हल्के का केजरीवाल को पसंद नहीं करता, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी और साडिया सरकारां नूं पुराने लोगों को हराना चाहते सन, और सबक सिखाना चाहते हैं सब लोगों को। केजरीवाल नहीं जिताया, सानू हराने का काम किया, और सानू कि सुधर जाओ, समझ जाओ,
हम साढ़े के अगर अस आपने आप सुधार लेके आवेंगे आपने आप तब्दीली लेके आवेंगे तो दुनिया की ताकत कोई गवारा हो सानू सदा सरकार से वापस आने को रोक नहीं सकेगी जे अस आपने तब्दीली नहीं लेके आवेंगे सानू बदलना पड़ेगा। कंप्यूटर का युग है हाथ नाल काम करने वाला व्यक्ति हम नहीं चल सकता हम कंप्यूटर आना चाहिए हाथ आने का समा लंघ गया यानी कि बुजुर्गों का हम नवा जमाना सबू नवे जमाने के नाल बदलना पड़ेगा नवीं तब्दीलियां करनिया पड़ेगी नवे तरीके की राजनीति सबू शुरू करनी पड़ेगी। हम लोग दिखावे विश्वास नहीं करते हम लोग चाहते कि साढ़े अगर लीडर हो हम लोग चाहते कि सधारण हो जिन्हों से मिल सकते हुए हम लोग चाहते कि रात को एक बजे अस लीडर उठा सकते हुए हम चाहते कि लीडर करप्शन ना करता हो लोगों ने बदलाव लेके आता और थोड़ा विश्वास कर देना चाहना अगर अगर मैं पांच साल रहने का मौका मिल गया कोई पता नहीं है कि कितों प्रधान बदलिया जाए दो साल तीन साल चार साल पांच साल अगर पांच साल रहने का मौका मिलिया थोड़े ना वादा कर दें कि एक नवी कांग्रेस नवी सोच वाली कांग्रेस असी पंजाब के अंदर तैयार करांगे वो नवी कांग्रेस मतलब नहीं कि नवे बंदे नवी कांग्रेस को मतलब है नवे सिद्धांतों वाली कांग्रेस नवे असूलों वाली कांग्रेस कि असी यहोजे बंदियां नूं पार्टी दे विच शामिल रखना है जिहड़े बंदियां ते कोई दाग ना लगदा होवे और पंजाब की जनता का दबारे दिल जितने की कोशिश करांगे। कोई चीज नामुमकिन नहीं है कोई चीज नामुमकिन नहीं है थोड़े सामने चिंता जागदा उदाहरण खड़ा है 47 साल बाद गिदड़वाली धरती से कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया 2012 सरदार बेंत सिंह रहे बाय इलेक्शन होया 95 सारी सरकार रह गई 2 साल सरकार दे रहे सन लेकिन कांग्रेस पार्टी आपका उम्मीदवार नहीं जिता सकी अकाली दल का जितया अज तीजी बारी लगातार गिदड़ वाले लोगों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया। मैं समझना जे 47 साल बाद गिदड़वाल कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है तो पंजाब के अंदर अगर असी आपने आप सुधार लेके आए तो 50 साल के दोबारे फिर कांग्रेस पार्टी का राज पंजाब के अंदर बन सकता है लेकिन सानू आपने सुधार रखना डेडिकेशन जज्बा तरीका भगत सिंह की तरह अर्जुन की तरह अर्जुन को किसी ने पूछा भी की देख रहे हैं उन्होंने कहा मैंने मक्खी मच्छी की अख अख विखाई दी मच्छी की अख के वांग साडा निशाना होना चाहिए अगर साडे च दृढ़ है आत्मविश्वास है निशाना पक्का है तो दुनिया की ताकत सानू साडे निशाने से जाग तो रोक नहीं सकती। मैं दरी शौका होता मेरा कोई बाप सरपंच भी नहीं सी जिरा व्यक्ति का बाप सरपंच ना हो राजनीति के बीच सब तो छोटी उम्र का मैं एमएलए बनिया जो कांग्रेस पार्टी का एमएलए बनिया कांग्रेस पार्टी का उदो पंजाब का सब तो छोटी उम्र का एमएलए फिर मंत्री बनिया उदो भी सारे 18 के 18 मंत्रियों को सब तो छोटी उम्र का मंत्री बनिया अच परमात्मा ने कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनाया है मैनू लगता मैं सब तो छोटी उम्र का कांग्रेस पार्टी का अज तक का प्रधान बने कभी भी छोटा होता सिदाजा बने राजे बड़ी को पोस्टर लोन पैसे नहीं होते राजा बड़ी नारे मारिया करता मगर बैठा होता
अजकल के मुंडे का आकर चुकने चाहते अजकल के मुंडे वेड़ो हाथ नहीं मिलाते हैं मुछा नही करते कोई बुजुर्ग बंदा तो खड़ा होकर कहते लेकिन मुंडा नहीं देता ईगो बहुत है होमे बहुत है मैं बहुत है हर व्यक्ति मैं पिछड़ बैठा होता मैं पिछड़ बैठ के नारे मारिया करता जेड़ा लीडर होता दस मैं नारे ठोकता उची उची लीडर की निगाह मेरे से पैंती सी यारेरा मुंडा नारे लाई जाते जो हम उठे बैठा बंदा लगेगा राजा बने मेरी सिद्धि यार थोड़े से जाऊ जो अगला बोलती ना दस मैं बुलाता काका तेरा नाम की है फिर मैं अगले दिन हौली हौली चुपड़ जाता मैं करते नाते बड़े मेरी आपकी जान पछाण बनाई ठोक ठोक जो केजरीवाल इलेक्शन से रणवीर प्रधान अटैक करती सी उसे मैं इतने मंगता सी रणवीर प्रधान की पहली आई 2012 तेरा 2007 रणवीर प्रधान ने कागज पर चलिया मैं सदया ही नहीं मैनू सदे नहीं चौड़ा साहब फिर मैं टेलीफोन किया प्रधान जी कितने हो कहना यार मैं कागज भर के लिया उन्हें फिर भी क्या तू आ गई मैं धक्के ना ही जा रहा मैं क्या आप चलो फिर की होया पिंड प्रचार कर जाते थे मैं भाषण देने लग पाया मैं उन्होंने मूह देखता कि उन्होंने मैं चंगा नहीं लगता भी है बंदर किधरों आ जाता पहले ही भाषण देने क्योंकि मैं चंगा बोलता मैं तो जनता को सुना मेरा भाषण मैं रणवीर प्रधान थोड़ी सुना पर मैं उन्होंने चेहरा पढ़िया कि यह मेरे से राजी नहीं कि राजा क्या होता है तो मैनू क्या कर कि मैं तुम्हें छोड़ो छोड़ो एक ही बनाना बोलूंगा मैं उस पहला घंटा पहले जा सकता जेड़े च प्रधान ने आना हूं मैं उसे अद्धा घंटा पहला जा रहा उसे आता भाषण दिखाई जो रणवीर प्रधान अंदर मन लगे अस्पताल से मैं सत श्रीकाल बुला के बाहर जा रहा वोट मैं कांग्रेस पार्टी मैं मेहनत करके जमील होया फिर लोगों ने विचार की जान पछाण बनाने का काम किया हौली 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 आपके मिशन से कामयाब होंगे हुए 2012 पहला इलेक्शन लड़िया जीत गया जान पछाण मैं बनाई पाई बड़ा काम किया दोस्तों ये सौखा काम नहीं किसी भी जगह पर पहुंचने वास्ते तुहानू कुछ ना कुछ वखरा करना पड़ेगा कुछ लोग लगी होंगे है परमात्मा की कृपा उन्होंने होंगी और घरे बैठे बिठाए बन जाते लेकिन सारे लोग मेरा आत्मविश्वास है कर्मा के नाम तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो मेहनत के नाम आत्म मुकद्दर बदल सकते हो ते मैं आपके अखा से हुंडा देखे मैनू पता सी तुम आखोगे तू बड़ा मैं पता सी मैं कदे ना कदे कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनना मैं पता ये मैं पता कि सब तो वड्डा ज्ञान बंदे दे अंदर है कोई पिछा नहीं हो पता नहीं थोन कर सकता गुरुद्वारे बैठा है मंदिर से बैठा ना अंदर ज्ञान है आप अंदर चाकी मारो ये थोड़ा ज्ञान हो जाएगा आप उसी पे खड़े हो लेकिन ज्यादातर लोग आपके अंदर चाकी नहीं मार रहे मैं मौके आप लोग कांग्रेस पार्टी की हार तो हार फिर पंजाब की आम जनता को मौका है कोई सिपाही नहीं आएगा कोई सिपाही नहीं आएगा जेड़ा मेहनत करेगा वही पहचान कांग्रेस पार्टी करेगी थोड़े ना इस गल का वादा कर है इस गल का पक्ष वही जिला प्रधान बनेगा
ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡਲੇ ਦਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜਾਖਣ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਖ ਹੈ, ਜਾਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸੋ ਜਾਖਣ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 5% ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਰੋਲ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਮੁਕੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋਸ਼ਨ ਹਰਾਇਆ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹਰਾਇਆ, ਘੁਬਾੜੇ ਕੇ ਹਰਾਏ। ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, 24 ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਖੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਡੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਜੋਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਜੋਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਥ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਘੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕ ਕੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਇਆ। ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਚ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਣਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਰਵੇ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 10-12 ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕੁਲਵੀਰ ਵੀ ਜੀਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਜੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਚ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕੁਲਵੀਰ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੁਲਵੀਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮਾਪੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ
भेजो, वो सारे आने थले सौदा कर लेंगे, वो पैसे लेंगे क्या दूंगा। जो पंजाब का दौरा कितना होया, हरेक विधानसभा 15 दिन राजा ने दिया, मैनू सर्वे करने की लड़ नहीं, मैं 10 रुपया भी खाना बना दे दूंगा हाई जी का। थोनू पूछूंगा जीरे आ गया कुलदीप जीरे को लड़ोगे कि नहीं लड़ोगा, हो सकता है किधर के वाले चौक नाले में को नहीं लड़ोगा, अगर किधर वाले चौक के नाले में मैं नहीं लड़ूंगा तो राजा मैं को नहीं लड़ूंगा। इस तरह की नवी कांग्रेस की नीति बनाना चाहना है, देव परमात्मा ने कृपा की कहा ये कांग्रेस की जगह उन्हीं पर नहीं हजे कहीं ना उन्हीं औखे सफे हो गए तो देख लिया मैं सेवा कर जिन्हें पौने 5 साल सदा रखा मंत्री बादल ने हराया उन्हीं आगे करा उन्होंने मंत्री बनाया फिर मैं उन्हें बाहर खड़ा रहता सी थोड़े अगले ना उन्हें जाने हो गया कुलवीर भी पकड़ा हराया बनाता ही हूं मैं सबर रखा बाणी सौदा सबर के संतोख सबर के संतोख रखने परमात्मा कृपा करता है। जेड़ा कांग्रेस का प्रधान आया चाहे वह सिद्धू आया चाहे जाखड़ आया चाहे प्रताप बाजो आया चाहे अमरिंदर सिंह आया उस सलाम माणी से कांग्रेस पार्टी जिंदा बन गया। अज का लोग कहते हैं कि अगर असी है तो कांग्रेस है नहीं असी है तो कांग्रेस नहीं है कांग्रेस को बाहर कड़ना पैने कांग्रेस को बाहर कड़ना पैने जेड़े कहते मेरे करके कांग्रेस है राजे के करके कांग्रेस नहीं है राजा मरिंग कांग्रेस करके है। ये गल समझाई है मैं लोगों के लीडर जेड़े जेड़े लीडर कहते मेरे करके कांग्रेस है जा सकते छेती जा लो जिन्होंने पार्टी को कमजोर करना वो जा सकते हैं जिन्हें पार्टी सिद्धांत नहीं देना चाहते जा सकते हैं साडे नाल वधेरे कामल होके बैठे हैं जीरा साहब इन्हें मौका नहीं मिलेगा जिधर मैं चलाने मिले 100 बंदा कामल है लेकिन उन्होंने मौका नहीं मिले वो मेरे में बहुत मेहनत करते हैं मेरे ना बहुत पढ़े लिखे है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा असी किस्मत आने सिर्फ मौका मिले एक मत कहो कि पंजाब के अंदर केवल 200-300 बंदा या जिन्हें कोई दिमाग है नहीं इन्हें कोई भी दिमाग है ये भी अपने दिमाग से ये भी मन की बात तो सानू पकड़े होना पड़ेगा मेरे पे जज्बा पैदा पर्चे पुचे होने लगे पर्चा की गल कोई नहीं करनी पर थोड़े से 200 होर हो गए अब मैं पर्चा की गल नहीं करना मैं पता है वोटा आगू के झाड़ू है मेरी लोड़ भी जिथे सानू बंदे की लोड़ होती है उसे असं कुलदीप जीरे को सौंपे तैनू किसी की लोड़ नहीं एवं ना एवं लोगों को दिखा ला जरा कोई उम्मीद की पत्ता हो सुभाग लेगा तो जो भी रात को सानू आज पाएगा अस आ जाके बीजेपी को बैठे है जब तक कांग्रेस पार्टी खड़ा कर दी सारे में कोई पार्टी बढ़ी नहीं जे असि आपदिया नीह मजबूत कर लिए आपदिया नीह आपका घर ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਾਟੋ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਦੀ ਪਿੰਡੋਰ ਦੇ ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਲੜਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੰਤੂਰ ਹੈ ਆਉ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਲੜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖਾ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ मेरा मुल्क में कुछ नहीं 2600 पिता राजा व्यक्ति है राजा भी बोलना जितने बढ़ा जितने जितने लोग प्यार कर रहे जितने राजा बैठना जो असी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दोबारा मुल्क खुला करना दमाग तो कम नहीं करना जीने वाले और उसी दमाग को ज्यादा कम देंगे बड़ा दमाग तो कम नहीं करना क्योंकि दिमाग बड़ा चुस्त है चलाक है दिमाग केवल थोड़े बारे सोचता है सरदार साहब अपने बारे दूजे बारे दिमाग बड़ा मतलब ही है दिमाग थोड़े बारे सोचना दूजे बारे सोचते किसी का एक्सीडेंट क्या होया ते तुसी अमृतसर चले हो नौजवान मुंडा सड़क पे गया तुसी ब्याह पे चले हो नवा मुर्ता ब्याह पा के दिमाग कहेगा सड़ पर यार चकना नहीं कपड़े बिगड़ टाइम खराब होगा ब्याह का पूछा पशु ध्यान देने पड़ेंगे कार तेरा दऊ ना पूछा सीटा खराब हो जाएगा ये दिमाग कहेगा ते जो दिल को पूछोगे दिल को बता ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਝਾਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬਚ ਕੀ ਪੈ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਰ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਗਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਯਾਰੀ ਚੁੱਪ ਜੀ ਬੀਤੇ ਛੱਡੋ ਬੜੇ ਮੁਬੀਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੌ ਸੌ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਬਣਾਏ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚੁਸਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਗਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਿੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਆਖੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੁਬਹ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਘਰੇ ਵੱਜਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਜਾ ਬਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਰਦੀਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕਦਮ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਡੋਗਲਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡੋਗਲਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡੋਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਬਿਆਨਾਂ ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਓ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋ ਪਕੜੇ ਰਹੋ ਜੀਤਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹੁਣ 2:03 ਕੋਈ ਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਕਰਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਤੋ ਦਿਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ABC ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਊਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ABC ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਰ